question that I gave you. I hope you have done, all of you. Yes, sir. Yes, sir. First, क्या represent कर रहा है फिर बोलो. Circle with center minus shifted. 1, 0. Circle with center is minus 1, 0. Correct. Minus 1, 0 is center and radius is 3. तो बस मैं तो चाहता था बस recognize करो. Less than equal to 3 मतलब inside as and well on. As on the circle. On the circle. Yes, sir. ये वाला सर्कल भी है विद सेंटर है 0.1 यस और नो एवरीवन. यस सर. यस सर. एंड रेडियस एज 1 मतलब ओरिजिन पास करेगा. करेक्ट नॉट? यस सर. यस सर. ओके फोर्थ रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 1.05. बिल्कुल सही. 1, 0 and 5, 0. So that will be actually the line x equal to 3. Equal to 3. मतलब ये x equal to 3 को represent कर रहा है. समझ में आ गया ना? Yes. Yes. Sir. Okay. फिर fifth हुआ. क्या represent कर रहा है? Yes, sir. मैंने तुम्हें देखो कैसे समझाया था कि कभी भी less than के बारे में सोचना है तो पहले किसके बारे में सोचना चाहिए? Equality के बारे में. Equal के बारे में. फिर लेस देन तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा उसी का कोई रीजन है. समझ में आया? यस सर. तो अगर मुझे इस लेस देन का आंसर चाहिए तो पहले मैंने इक्वालिटी के बारे में सोचा. अच्छा तब जेड यहाँ पे होता है. एग्री करो. सो दैट मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 5. हाँ है ना? यस सर. अब हम बोल रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस बड़ी हो गई. ये वाली डिस्टेंस बड़ी हो गई तो मतलब ये पॉइंट कहाँ पे मूव कर गया है? लेफ्ट में मूव कर गया है. कम ऑन यहाँ पे. यस सर. एग्री करो ऑल ऑफ यू. यस सर. अभी ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी ना एवरीवन? यस और नो? यस सर. क्योंकि अगर आप बीच वाली लाइन पे है तो डिस्टेंस कैसी है? इक्वल. बट जैसे ही लेफ्ट में मूव कर गई इस रीजन में सो मॉड जेड माइनस 5 विल बी बिगर देन मॉड जेड माइनस 1 मींस दिस रिप्रेजेंट द लाइन रीजन व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल. क्या ये सबको समझ में आया? सोचना है तो पहले इक्वालिटी के बारे में सोचोगे. Am I clear enough? Yes, sir. कुछ कॉपी करना तो कर लो. हो गया क्या बच्चों सबका? यस सर. डन सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एक If mod z minus 2 iota, I'm just writing in a moment, you listen to me and write. Mod z minus 2 iota is less than equal to 1. Then find first part. Minimum mod z. Second part, maximum mod z. Third part, minimum value
of argument of Z, principal argument. Fourth, maximum value of argument of Z. चलो ये अटेम्प्ट करो क्वेश्चन एवरीवन. डायग्राम बना के कर रहे हो ना एवरीवन? यस. कम ऑन, अच्छी तरह करो. सर्कल का सेंटर क्या है? 0.2. रेडियस कितना है? 1. ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा. कम ऑन, चारों पार्ट्स करो, एक साथ ही डिस्कस करेंगे. कम ऑन, कम से कम थर्ड पार्ट करके बताओ.
ओके बच्चों, कम से कम पहले दो का आंसर दो. फर्स्ट का आंसर वन. बिल्कुल करेक्ट. जेड कौन है ये बताना, हु इज जेड नाउ? ऑन द इनसाइड. हां वेरी गुड. ऑन द सर्कल एज वेल एज इनसाइड द सर्कल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो. एम आई करेक्ट एवरीवन? यस सर. मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन यस सर. तुम सबको याद होगा दिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉड जेड इज मॉड जेड माइनस 0 तो रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना? यस सर. यस सर. सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसकी मिनिमम है? ये 0.1 की मिनिमम है ना एवरीवन? यस सर. यस सर. सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर 1. किसी को डाउट? थर्ड पार्ट में बताना आर्ग्यूमेंट मतलब होता है एंगल इट मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यस सुनो. यस. जैसे अगर जेड ये है तो आर्ग्यूमेंट ये वाला एंगल बना रहा है. करेक्ट एवरीवन? यस. यस सर. तो अब मिनिमम आर्ग्यूमेंट किसका होगा बताओ? ये 0.1 का होगा या यहाँ पे एक पॉइंट होगा या ये इधर पॉइंट होगा, ये कौन सा होगा मिनिमम? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड, थर्ड, थर्ड. देख लेना, तो देख लेना ढंग से बना रहा हूँ. फर्स्ट का तो एंगल 90 degree है, दिख रहा है? यस यस सर. थर्ड का एंगल ऐसा कुछ होगा, कमॉन एग्री करो. यस सेकंड. और सेकंड का एंगल ये होगा. आप बताओ अब कौन सा फील हो रहा है? सेकंड. सेकंड. थोड़ा दिमाग लगाया करो ना यार. आर्ग्यूमेंट मिनिमम होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी. इज दैट क्लियर इनफ? यस सर. यस सर. यस सर. क्या होगी वापस रिपीट करो? टेंजेंट. ये टेंजेंट का जो एंगल होगा वो मिनिमम होगा. मैक्सिमम के लिए भी क्या होगी? कम ऑन. टेंजेंट. तो मिनिमम ये एंगल है और फिर मैक्सिमम ये एंगल है. कम ऑन. इज दैट क्लियर? यस सर. और जैसे ही सर्कल पे टेंजेंट होती है, मैंने बहुत बार बोली है क्या तुम्हें वो 90 डिग्री की लाइन बनानी चाहिए? एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर. ताकि हमें 90 डिग्री दिखता है तो बहुत कुछ दिखता है. यस और नो? यस सर. अब कौन बच्चा बताएगा मुझे थीटा कैसे निकालना है? कैसे निकालू? स्लोप. चलो इधर देखो, ये एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हो तुम. 90 डिग्री देख के ट्रिग्नोमेट्री यूज क्या करोगे तुम? ये एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हो. लेट्स से दिस इज अल्फा. देखना मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अल्फा है. ये डिस्टेंस पता है क्या तुम्हें? यस सर. 1 यस सर. 1 ये रेडियस 1. अच्छा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पता है क्या? 2 सर. 2 2 2 है. तो अब बताओ निकल नहीं जाएगा क्या? Yes, yes, sir. Sir. Cos alpha is 1/2, तो alpha कितना हो गया? 60 degree. 60. ये 60 है, तो ये angle कितना हो गया? 30. ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 60 degree. 60. मतलब ये alpha ही है, is that clear? Yes, yes sir. तो बताओ third part का answer कितना हो गया अभी? 60 degree. 5/3. क्या सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब फोर्थ पार्ट का खुद ही बताओ मुझे. कम ऑन बहुत जल्दी इजीली बता सकते. 90 degree. ये 60 है. 5/3. चुप रहे, चुप रहे. ये 60 है, करेक्ट एवरीवन? यस सर. अच्छा ये एंगल कितना है? 30. और ये एंगल कितना है? 60. 30 अगेन. 30 है. 30. तो टोटल कितना हो गया? 120 degree. कितना हो गया आंसर? 2/3. समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं? Yes. Yes, sir. Yes. कॉपी करो. कॉपी दिस, कॉपी दिस.
कंप्लीट हो गया क्या सबका? यस यस सर। कोई डाउट है किसी को? Writing the course, some more geometry. Okay. First is section formula. ये मैंने शायद से पहले भी लिखा है था क्या बच्चों? No sir. Complex number में section. Yes sir. No straight lines में. तो भी वापस लिख देते कोई नहीं. ये z1 z2 है. दो point है. और हमें इस point का complex number का क्या बोल सकते हैं? fx निकालना है, fx बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, such that it is dividing internally in m is to n. क्या आंसर होगा एवरीवन? m into z1 n times plus z2 m times upon m z into m z. एक तो गलत बोलते हो और फिर जैसे सिखाया वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर. बस वैसे बोलो m into z2 अगर एक्सटर्नल करते हैं तो रेशियो बस क्या हो जाता है? याद आ गया सबको? यस सर. ये तो रिवीजन ही है. मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यहीं से आ जाएगा ना एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट इज सेंट्रोइड. मैंने तुम्हें क्या बताया था याद करो, पूरी ज्योमेट्री वैसी होती है ना यहाँ पे भी एवरीवन? यस सर. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ये b है z2, ये c है z3, then the centroid क्या होगा? z1 plus z2 plus z3 by d. कॉपी करो यहाँ तक. I hope you are realizing कि complex में हमारे 7 lecture हो गए हैं, but कितनी information है, हाँ है ना? Yes sir. और कितना different है? सोचो cube root of unity और ये तो बिल्कुल different है ना everyone? Yes. Yes sir. अभी तो properties, rotation, अभी तो आधा chapter और बाकी है. तो please understand that's what I'm trying to say कि इसका homework और इसके practice, इसके notes revision regularly करो. मतलब जेई के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, बाद में बस रिवीजन करेंगे. समझ में आ रहा है? यस सर. कितने भी पुराने पाप हो, इतने लिंक नहीं है यहाँ से, बस इसी को अच्छी तरह करो. अब सबका हो गया यहाँ तक? यस सर. ओके, थर्ड इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. ये z1 है. Yes, sir. ये z2 है. ये z3 है. तो इसमें अपोजिट साइड की लेंथ का काम आता है, इफ यू रिमेंबर. यस सर. क्या फॉर्मूला होगा एनीबॉडी? a + b + c. कॉपी कर लो जल्दी से.
आई गेस हो गया होगा एवरीवन. यस यस सर. फोर्थ ऑयलर्स लाइन, याद है ऑयलर्स लाइन? यस सर. यस सर. क्या थी? इट इज अ लाइन जॉइनिंग व्हाट व्हाट व्हाट? ये अगर इसको जेड जी बोले, इसको जेड ओ बोले, इसको जेड सी बोले, तो बस जेड जी इज टू जेड सी प्लस वन जेड ओ डिवाइडेड बाय टू प्लस वन. क्लियर है एवरीवन? यस सर. यस सर. देन ऑर्थो सेंटर हम स्ट्रेट लाइन में भी कैसे निकालते थे कि परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन होता है, याद आ रहा है? यस सर. हम भगवान से दुआ करते थे कि 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो ताकि ऑर्थो सेंटर एक वर्टेक्स हो जाता था, याद करो? Yes sir. याद आया एवरीवन? Yes sir. Just a second. और सर्कम सेंटर कैसे करते थे एवरीवन? सर्कम सेंटर होता था क्या पहले? होता क्या है? ऑल्टीट्यूड्स का नहीं होता है. ऑल्टीट्यूड्स का नहीं होता है. भगवान ने थोड़ी अक्कल दी, उसको यूज क्यों नहीं करते हो यार? अभी बोला मैंने ऑर्थो सेंटर, मैंने डायग्राम बनाया, तो ये ऑल्टीट्यूड्स ही तो है. सोचे बिना पहले जो बस माउथ में आ रहा है वो बोल दिया बस. हमारे काम की होती है कि इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस. याद आया गधों? यस सर. तो हमारे काम की डेफिनेशन एक तो ये है, और इट इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम All the vertices. और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस कैसे दिखाते हैं? अगर ये जेड ए है और ये जेड ओ, जेड ओ एल एक्स जेड सी है, कैसे दिखाते हैं? कुछ याद आ रहा है? लेट्स से इसको जेड वन बोल रहा हूँ अभी ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. जेड टू जेड थ्री, तो अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है जेड वन माइनस जेड सी, यही डिस्टेंस है एवरीवन? यस सर. ऐसे दिखता है. समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर. यस सर. तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि मॉड z1 माइनस आयोटा इज सेम एज मॉड z2 माइनस आयोटा इज सेम एज मॉड z3 माइनस आयोटा, वेयर z1 z2 z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो किसको क्या हिंट मिल रही है इससे एवरीवन? सर्कम सेंटर इज व्हाट? 0,1. That is iota. क्या सबको समझ में आया यहाँ से? Yes sir. Yes sir. अगर ऐसा दिख रहा है तो mod z1 is same as mod z2 is same as mod z3. Origin. Then circumcenter is nothing but origin. समझ में आया everyone? Yes sir. और तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था straight line में? 50% of the time circumcenter origin ही होता है everyone? Yes sir. Copy करो यहाँ तक.
सबका हो गया कॉपी? यस सर। लास्ट 10 seconds। ओके चलो दोनों क्वेश्चन जल्दी से करिए। जल्दी से फर्स्ट का आंसर चाहिए। कितना बची? 3 इज करेक्ट आई थिंक। देविका 3 आया बेटा, तो ना देंगे मॉड पूछा है ना। यस सर करेक्ट रिया। फर्स्ट वाला तो सबका हो जाना चाहिए था, जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ देखो। अब सबने अटेम्प्ट कर लिया ना एवरीवन? यस यस सर। ओके ये चीज क्या बता रही है? हु इज व्हाट? 0.1 इज आयोटा सेंटर। सर्कम सेंटर इज आयोटा, करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। यस सर। यस सर। एंड सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, therefore centroid is also z, circumcenter is iota, correct? Yes sir. Yes. Okay, centroid ka kya formula hota hai? z1 plus z2 plus z3 by 3 is iota. So bas aage answer, z1 plus z2 plus z3 is 3 iota, correct everyone? Yes sir. Achha, maine mod nahi pucha, sir. My mistake, Devika also. Maine sirf itna pucha hai, to answer 3 iota hi hai. Agar maine mod pucha hota, to answer 3 hota. Sun liya everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. To abhi ke liye answer kya hai? सेकेंड क्वेश्चन।
करेक्ट लड़की. बाकी सब बच्चे जल्दी से. सर्कल का सर्कम सेंटर कौन है यहाँ पे? 0.0 ओरिजिन. मॉड जेड इक्वल टू 5 में सब्सक्राइब हो रहे हैं, मतलब सर्कम सेंटर इज नथिंग बट ओरिजिन. सेंट्रोइड कौन है? z1 + z2 + z3 / 3. अब और तो सेंटर निकालने के लिए कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ऑयलर्स लाइन. यस सर. बस यूज करो जल्दी से यार, कम ऑन. और तो सेंटर ZH, सेंट्रोइड ZG, सर्कम सेंटर ZC, 2:1, कम ऑन. बिल्कुल सही राहिल सत्यम. यस सर. करेक्ट ध्यानेश. करेक्ट तन्मय. सो बस लगा देते हैं अब तो सेक्शन फॉर्मूला. जेड जी इज इक्वल टू 2 ZC + 1 ZH / 3. तो 3 ZG हो जाएगा, मतलब z1 + z2 + z3 इज इक्वल टू 2 × 0 + ZH. आ गया आंसर. क्लियर? यस सर. ऑब्वियसली ये तो बहुत लल्लू चीजें हैं, बट दिमाग में आनी चाहिए ताकि बाद में यूज आएगी तो हम स्ट्रगल नहीं करेंगे. किसी को डाउट? मिताली आगे बढ़े हैं? यस सर. ओके. सम मोर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. छोटा सा टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे फिर. थोड़ा सा पढ़ना है कि एलिप्स हाइपरबोला कैसे दिखता है. है इंटरेस्ट थोड़ा समझने में? यस सर. चलो तो पैराबोला तो अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पैराबोला के लिए अभी तो मैं एक चीज नहीं सीखी कॉम्प्लेक्स नंबर की, बट एलिप्स हाइपरबोला अभी समझ सकते हैं. एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड. तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि एलिप्स हाइपरबोला क्या होता था. अच्छा जल्दी से याद करो. एलिप्स के लिए अगर ये कोई पॉइंट पी है एंड देन फोकाई होते, तो याद करो एस डैश और एस. हमारी डेफिनेशन होती थी कुछ एवरीवन. क्या होती थी? PS + 2A. याद आया एवरीवन? Yes, sir. मतलब मैं ऐसा समझाया भी था, याद करो कि तीनों पॉइंट मिला के ट्रायंगल बनना चाहिए. सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. याद आया एवरीवन? Yes, sir. Here, sum of two sides is greater than the third side of this triangle. Sum of which two sides I am talking about, बच्चों? PS and PS dash. PS plus PS dash. Yes or no, everyone? तो क्या इलिप्स के लिए ई लेस देन वन होता है क्या? यस यस सर. अब तो कन्विंस हो गया, याद आ गया एवरीवन. यस सर. क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अगर सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड हो गया तो फिर वो ट्राइंगल नहीं बनाता है. याद करो PS plus PS dash अगर SS dash हो गया इलिप्स के लिए तो ग्रेटर देन होता है. आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर PS plus PS dash SS dash हो गया तो come on देखो ये रहा PS plus PS dash is equal to SS dash. हो गया नहीं हो गया एवरीवन? Yes, sir. तो इट इज नो एलिप्स. इट इज बिकमिंग नाउ व्हाट?
लाइन सेगमेंट याद आ रहा है करंट लाइन सेगमेंट पॉइंट पी कहां पे मूव करेगा एस और एस डैश के बीच में इज दैट क्लियर यस सर यस सर थर्ड हाइपरबोला मैं रिवीजन करा रहा हूं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में वापस बताऊंगा हाइपरबोला में भी सेम ट्रायंगल बनना चाहिए एग्री करो ऑल ऑफ यू यस क्या प्रॉपर्टी होती थी एनीबॉडी मतलब जैसे एलिप्स में तुमने बताया सम ऑफ टू साइड्स ये क्या हो गया है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स यस और नो एवरीवन शुड बी लेस देन व्हाट थर्ड साइड डिफरेंस ऑफ टू साइड मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ पी एस माइनस पी एस शुड बी लेस देन थर्ड साइड कौन सी है एस एस डैश पी एस माइनस पी एस डैश की वैल्यू टू ए एस डैश की वैल्यू टू ए तो क्या हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन वन होता है क्या यस सर अब तो याद आ गई ये सब चीजें हैं एवरीवन यस सर एक बार पहले कॉपी कर लो फटाफट कॉपी करो क्योंकि तुम सब नालायक बहुत हो रिवीजन आई एम नॉट गिविंग यू मोर देन टू मिनट्स तो ये टू मिनट्स में सारा कॉपी करना है अब इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे पीएस मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है ना यस यस सर कैसे लिखते हैं डिस्टेंस यहां पे मॉड z डिफरेंस ऑफ मॉड z1 माइनस z2 से लिखते हैं यस और नो यस सर यस सर एक एग्जांपल यहाँ पे और लिख देना एलिप्स पे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस हो गई है टू तो यहाँ पे थ्री है तो ये एलिप्स है क्यों एनीबॉडी ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है पीएस कर रही है करेक्ट एवरीवन यस सर ये पीएस डैश कर रही है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एवरीवन एसएस डैश नो टू ए अरे पीएस प्लस पीएस डैश राइट साइड एसएस डैश होता है या टू ए होता है एवरीवन टू ए बिकॉज़ यहां पे टू ए इज टू एंड टू ए ई डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फोकाई कौन है 1, 0 एंड -1, 0 ना यस यस सर टू ए इज 3 और टू ए ई 2 हो जाएगा एवरीवन यस नो तो यहाँ पे क्या 2a is greater than 2ae है क्या हाँ या ना गधों तो इसलिए ये एलिप्स है अगर ये 3 की जगह 1 होता तो ये एलिप्स नहीं होता समझ में आ गया एवरीवन वापस बोल रहा हूँ क्यों क्योंकि राइट साइड वाला फिगर कौन सा होता है हमारा 2a 2a की वैल्यू 2ae से बड़ी होनी चाहिए अच्छी तरह लिखना नालायक तो हो ही क्या करे ये वाला पार्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से लिंक है बट 10 मिनट्स में ओवर भी हो जाएगा
last 30 seconds to copy. अब हो गया कॉपी? यस सर। ओके मूविंग ऑन, कुछ अगर रह गया तुम स्लो हो तो बाद में कॉपी करना बच्चों। ये सब रिवीजन था। अब सेकंड, इलिप्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा? वही चीज दिखेगी, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू क्या दिखेगा? 2a. Only difference is point P को आप कैसे represent करेंगे हम? Complex number z से. इसको z1 से करते हैं, इसको z2 से करते हैं. Correct यहाँ तक everyone? Yes. Yes. So PS plus PS dash equals to 2a. तो यहाँ पे कैसे दिखेगा? PS की जगह क्या दिखेगा everyone? Z minus z1. PS की dash की जगह z minus z2. और 2a तो एक constant figure है ना everyone? कौन दिख रहा है यहाँ पे? और 2a किसके बीच के डिस्टेंस है? z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस ना? उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं? बताओ, सबको क्लियर हो गया ये एवरीवन? यस सर। एक एग्जांपल, जेड माइनस 3 प्लस जेड प्लस 3, अभी तक बताना फोकाई कौन कौन है? 3,0 एंड माइनस 3,0, मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी हो गई? 6. मतलब राइट साइड वाला फिगर 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। अगर 6 से छोटा है तो वो इलिप्स नहीं है, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ये रुक जाओ एक बार, फिर एक साथ कॉपी करना। थर्ड, लाइन सेगमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा दिखेगा? बिल्कुल सेम दिखेगा, ये रहा एस डैश, ये रहा एस, और पॉइंट पी बीच में आ गया। मॉड जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड माइनस जेड टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट की तरह ही दिखेगा, हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Only difference is, यहाँ पे क्या होगा? K will be equal to, बोलो? Z1 minus Z2. मतलब same ऊपर वाले example में, mod Z minus 3 plus mod Z plus 3, right side क्या लिखना चाहिए हम मुझे? 6. Blank segment के लिए? 6. Will go clear everyone? Yes, sir. Copy करो. अब समझ में आया रिवीजन क्यों करवाया?
हो गया कॉपी सबका? यस वन मिनट. Done, sir. I hope हो गया कॉपी अब तक. यस सर. चलो नीचे ही लिख देते हैं. फोर्थ पॉइंट हाइपरबोला. तुम ही बताओ यार अब जल्दी से. z1 z2 minus z2 greater than k. एक सेकंड हाँ बढ़ती. हाँ क्या बोल रहे थे? मॉड ऑफ बोलो z1 minus z2 greater than k. Just ये मैंने लिख दिया. Now you can correlate. It will be PS will be mod Z minus Z1 minus mod Z minus Z2 का whole mod भी लिखना जरूरी है. Clear ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. It will be equal to some constant, but it will represent hyperbola only if. कौन बता सकता है? Yes, हमारे लिए क्या होना चाहिए याद करो. 2A should be less than 2A. Less than 2A. Yes or no everyone? Yes sir. Yes sir. यहाँ पे 2A कौन है? K. 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 और 2A कौन है? Mod Z1 minus Z2. यहाँ पे distance छोटी होनी चाहिए. Is that clear everyone? Yes. Yes sir. Yes sir. Okay. Example. Let's see. Mod Z minus 3 minus mod Z plus 3. तो distance between them 6 हो गई. Correct ना? Yes. Yes. तो यहाँ पे 6 से छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. Then only it will hyperbola. सबको समझ में आ गया everyone? Yes sir. Copy कर लो. ये सबका फिनिश हो गया? यस सर. चल स्टार्ट करना है करो ये सब.
हाँ भाई कितने हो गए? लास्ट कर रहे हो? Yes, sir. Good, good, good. Continue, continue. I'm giving you one more minute. Fourth वाला ellipse है, correct ना? Yes, sir. Yes, sir. और fifth वाला मैंने fourth part के reference में दिया है, correct ना? Yes, sir. Yes, sir. I hope you remember मैंने क्या बताया था कि अगर less than को handle करना है, तो पहले equal to के बारे में सोचो, याद आया? Yes, sir. Sir. Okay, can we discuss now, everyone? Yes, sir. Chalo. Mere saath bolte jao. First answer. Ellipse. Anybody sir, else? Line. Line segment. Line segment. Line segment. Abhi bataya maine ki agar distance between them 4 hai na, ye aur ye barabar ho gaya, to kya hota hai everyone? Line segment. Second. Ellipse. और अगर मैंने इसकी सेंट्रिसिटी निकालने को बोली है तो निकाल सकते हैं ना बच्चों? 2/6 and 2a is 4 करेक्ट एवरीवन? यस सर 2/3 सेंट्रिसिटी इज 2/3 करेक्ट एवरीवन? यस सर गलती मत करा थोड़ा सा दिमाग यूज करा करो भगवान ने दिया है तुम्हें पर ऐसे गधों की तरह बोलते हो 3/2 इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1.5 हैं सॉरी सर नेक्स्ट क्या है ये हाइपरबोला वेरी गुड एसेंट्रिसिटी के लिए 2a 4 करेक्ट बच्चों यस सर यस सर सो 3 * e इज 4 मतलब एसेंट्रिसिटी कितना हो गया 4/3 नेक्स्ट देखना इसकी डिस्टेंस 2 है और ये 4 है तो यस इट इज एलिप्स हाफ बिल्कुल सही एंड 2ae इज So eccentricity is 2/4, that is half. यहाँ तक किसी को doubt? No sir. Okay. और अब कभी भी ऐसा देखोगे less than equal to मैंने क्या समझाया पहले equality के बारे में सोचोगे correct everyone? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So yes ये ellipse है जिसका center कहाँ है? Center क्या है everyone? इन दोनों का midpoint ना? Origin. Yes sir. Origin. Origin. एक -1,0 foci है, एक 1,0 focus है. ऐसा ellipse है. और लेस देन इक्वल टू 4 मतलब इनसाइड द एलिप्स एज वेल एज ऑन द एलिप्स करेक्ट एवरीवन यस यस सर मतलब वापस बोलना z कौन है यहां पे अब इनसाइड द एलिप्स एज वेल एज ऑन द एलिप्स इज z हां है ना यस सर यस सर ओके एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली कम ऑन डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 3 डिस्टेंस ऑफ z एंड व्हिच पॉइंट एवरीवन 3,0 यहां पे कहीं होगा करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर हमें ये पॉइंट निकाल लेना चाहिए ना ताकि मिनिमम डिस्टेंस हो यही होगी एग्री करो ऑल ऑफ यू यस सर मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी है एग्री करो ऑल ऑफ यू यस सर क्योंकि ये पॉइंट कौन होता है a, 0 हां है ना यस सर ये कौन होता है
minus 3, 0. So here 2a is equals to 4. 2ae is equals to कितना है? 2. So anyway, a equal to 2 आ गया, मतलब ये point 2 comma 0 है. Half. तो बताओ mod z minus 3 की minimum distance कितनी है everyone? 1. 1. आया ना बच्चों? Yes sir. Minimum distance ये point क्या हो जाएगा? Minus 2 comma 0. तो maximum कितनी हो जाएगी? 5. क्या सबको clear हो गया ये part? Yes sir. Copy करो. हो गया सबका कॉपी एवरीवन? यस सर. कोई डाउट? चलो ओके. नाउ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तरीके से सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया हमारा. फर्स्ट पार्ट मतलब जीरोथ पार्ट तो क्या था? इंट्रोडक्शन, ऑयलर्स फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पोलार फॉर्म, वो सब इंट्रोडक्शन था. समझ में आया? यस सर. फिर फर्स्ट क्या था? डीएमटी, एनथ रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. समझ में आया? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम किस किस की? कॉन्जुगेट की, मॉड जेड की, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की. गॉट इट? यस सर. फिर इस चैप्टर में क्या बचेगा? फिफ्थ पार्ट इज कोनीज रूल, रोटेशन, रोटेशन वाला. एंड लास्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा वापस देखें. तो अभी तक तीन पार्ट हो गया, करेक्ट? यस सर. यस सर. तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज. सबसे पहले किसकी करेंगे? सबसे इजी चीज की, कॉन्जुगेट. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की करेंगे. हेडिंग डाल दो. तो पहला पॉइंट तो रिवीजन होना चाहिए. लिखना बंद हो गया है सबका? जल्दी से हेडिंग डाल के स्टॉप राइटिंग. ओके, मुझे बताओ अगर जेड एक एक्स प्लस आयोटा वाई होता है जिसमें एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम? सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके. एवरीवन यस सर? नो? यस सर. तो ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है एवरीवन? मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस. वेरी गुड. याद आया सबको? Yes, sir. It is the mirror image of Z about what? Real axis. Very good. About X axis, real axis. Third, conjugate का वापस conjugate करोगे तो क्या आएगा? Positive. नहीं आ जाएगा obviously. X minus iota y का वापस conjugate करोगे तो X ही Z ही आ जाएगा. X plus iota y. Yes, sir. Next. Z1 plus Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका पूरे का कॉन्जुगेट लेना, can I say it is same as individual कॉन्जुगेट लेना? बताओ, फील करो खुद ही. So, yes sir. हाँ या ना यार, come on. Yes, A1 plus iota B1 plus A2 plus iota B2, उस पूरे का कॉन्जुगेट क्या होगा? A1 plus A2 minus iota B1 minus iota B2, यही होगा ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. और इसको फिर मैं वापस क्या लिख दूंगा? आप कम ऑन, Z1 बार, यस. इन दोनों को क्या लिख दूंगा? Z2 बार. करेक्ट है एवरीवन? यस सर. ये सब प्रॉपर्टी यूज आएगी. तो पूरे का कॉन्जुगेट इज सेम एज इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट. सेम गोस फॉर सबट्रैक्शन आल्सो एवरीवन? यस सर. यस सर. कोई डाउट यहां तक? नो सर. ओके, फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन. व्हाट डू यू थिंक? Z1, Z2 whole conjugate. Will it be same as Z1 conjugate into Z2 conjugate? No, yes. Yes, it will be. Iska proof kya? Euler's form le lo.
मैं बस बता रहा हूँ, तो मैं कॉपी करने को नहीं बोलूंगा. आर वन ई की पर आया था थीटा वन, जेड टू इज आर टू ई की पर आया था थीटा टू. तो लेफ्ट साइड जेड वन जेड टू फिर कॉन्जुगेट करना है, करेक्ट ना? जेड वन जेड टू हो गया आर वन आर टू ई की पर आया था थीटा वन प्लस थीटा टू का पूरे का कॉन्जुगेट. पूरे का कॉन्जुगेट मतलब सिर्फ आयोटा को किससे रिप्लेस करना होता है? माइनस आयोटा, करेक्ट लिखा है अभी तक? Yes, sir. अब इनको स्प्लिट कर दूंगा, आर वन ई की पार माइनस आयोटा थीटा वन इन टू आर टू ई की पार माइनस आयोटा थीटा टू. सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Is this Z1 or Z1 bar? Z1 bar. और next is? 2 bar. Z2 bar. Step through हो गया एवरीवन? Yes, sir. हाँ ये ना? Yes, sir. किसी का ब्रदर कौन होगा? Z1 by Z. Division. Whole conjugate is same as? जेड के ऊपर कोई भी पावर आया और फिर कॉन्जुगेट लेना है, तो सेम एज जेड का कॉन्जुगेट ले लो और फिर पावर ले लो. समझ में आया एवरीवन? मतलब जेड क्यूब का कॉन्जुगेट इज सेम एज, बोलो, मल्टीप्लिकेशन पावर्स में तो तुम्हें ऑयलर फॉर्म ज्यादा यूजफुल रहेगा ना बच्चों? नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले यहाँ तक कॉपी करो.
हो गया कॉपी? यस सर. हाँ बच्चों फाइनली हो गया. यस यस चलो टू थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नाउ. देखो इधर जेड कितना है, एक्स प्लस आयटा हुआ है. जेड बार कितना है, एक्स माइनस आयटा हुआ है. अच्छा जेड इंटू जेड बार करना, अब कितना हो गया जेड इंटू जेड बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कुछ होता है क्या ये किसी का मॉड वॉड? मॉड जेड कितना होता है एवरीवन? मॉड जेड का स्क्वायर. यस मॉड जेड कितना होता है मैंने वो पूछा. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई. तो ये मॉड जेड है या मॉड जेड का स्क्वायर है? मॉड जेड का स्क्वायर. सो यस यू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जेड जेड बार इज मॉड जेड का स्क्वायर. ये बहुत ज्यादा यूज आएगी. कभी भी जेड बार को जेड के टर्म्स में रखना पड़े तो हम रख सकते हैं ना मॉड जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड. करेक्ट एवरीवन? यस सर. बहुत बार करना पड़ता है. एक साथ कॉपी करना मेरे साथ सुन लो. नाउ देखना ये रहा जेड और जेड बार. अगर मैं जेड प्लस जेड बार करूं तो कितना आता है एवरीवन? 2x. मतलब जेड प्लस जेड बार इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस यस सर. यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. कभी भी रियल पार्ट पूछे मतलब रिवर्स वे में यूज आएगी ज्यादातर. रियल पार्ट ऑफ जेड z plus z bar by 2. समझ गए? यस सर. अच्छा z minus z bar करूं तो 2 times imaginary part. हां तो z minus z bar is 2 iota into imaginary part of z. Is that clear? यस सर. मतलब इसका भी यूज ऐसे ही आएगा. imaginary part of z is z minus z bar by 2 iota. कॉपी कर लो यहां तक. सबका हो गया यहाँ तक? यस सर. ओके बस एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो घर पे करके लाओगे और ऑब्वियसली बुकलेट का होमवर्क तो भेजूंगा. क्लियर एवरीवन? यस सर. चलो नाउ यू कैन गो. सो कुड यू प्लीज शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकंड? नो अभी तो कॉपी हो जाना चाहिए था. जल्दी देख. स्लो लिखते हो भाई. थैंक यू सर. चलो ये कॉपी वाली ये बाद में कर लेना या अभी कर लो, व्हाट एवर योर विश इज. नाउ यू कैन गो. ओके बच्चों आई एम एंडिंग द लेक्चर. Okay, everyone. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. Bye-bye. Thank you, sir.